फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑफ इन अदर वीडियो इन दिस यूट्यूब चैनल सी एन टी सी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में सीखते हैं जो हम ब्रिक वॉल लोड बियरिंग वॉल ठीक है जो इंटरकनेक्ट करते हैं विद कॉलम के साथ में वो कैसे प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपने देखा होगा कि 4 इंच थिक वॉल हो सकती है, 4 इंच थिक वॉल है ये ठीक है, और इसके साथ में आगे कॉलम है तो इसके साथ में ठीक है ये कॉलम है तो इसके कॉलम में हम बहुत साइड में 4 इंच कॉलम है ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, दो साइड में इसकी हाइट ज़्यादा है तो हमें ये 2 टाइम्स में बोरिंग करना पड़ेगा। इसको 3x कम है, 3x की वजह से इसमें क्या हो जाता है रिपेयर क्या होता है बकलिंग हो जाता है, उसमें हनीकॉम आ जाता है ठीक है। तो हनीकॉम को रोकने के लिए इसको फिलअप करना पड़ता है क्योंकि मोटाई कम की वजह से थिकनेस कम की वजह से बोरिंग करने के लिए उसमें कंक्रीटिंग जो एग्रीगेट होता है 20 mm एंड 10 mm उसको हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा जैसे कि वॉल है, वॉल का ये फेस है ठीक है, इस फेस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं या तो टीथ लेते हैं ठीक, एक ये जो आपका देख रहे हैं स्ट्रेचर कोर्स है तो 1 लेयर एंड 1 कोर्स एंड सेकंड कोर्स 1 लेयर एंड सेकंड लेयर में हम क्या करते हैं 2 इंची का स्पेस दे देते हैं ठीक है। 2 इंची अप डाउन रहेगी ठीक है, दो पीछे रहेगी या फिर जो फेस रहेगा जो कॉलम का जो साइज है जो 4 इंच थिकनेस है और 15 इंच की जो इसकी है वाइड है, 15 इंच वाइड की अकॉर्डिंग, तो इस वजह से क्या करना है इंटरकनेक्ट होगा दोनों फेस के। तो इसमें फिर क्या करेंगे दोनों साइड में इधर फेस में और आउटर वाले फेस में सेटरिंग लगाने बाद इसको पोरिंग करेंगे ठीक है, सेम कनेक्ट करते हैं। अगर ये फिर ये कॉलम है कि सामने देख रहे हैं 9 इंच का तो उसका क्या करते हैं पहले से फिलअप कर देते हैं, पहले से पोरिंग कर देते हैं। अगर बाउंड्री वॉल में ले रहे हैं या फिर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ले रहे हैं तो इस तरह से आप करेंगे ठीक है। तो 4 इंच के वॉल में इस तरह से करेंगे, या वॉल अगर आप पहले से ही वॉल कर रहे हैं, वॉल मेजरिंग कर रहे हैं या फिर आप कॉलम कर रहे हैं तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप पहले से कॉलम कर कास्ट करें तो पहले से कॉलम कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप 4 इंची ले रहे हैं तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ लेने के लिए आप तो इसमें टीथ प्रोवाइड करेंगे या फिर इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। देखिए आप जैसे मैं दिखाता हूँ जो इसमें प्रोवाइड किया सरिया प्रोवाइड किया है 4 इंची वॉल में ठीक है, ऐसे इसमें 4 इंची वॉल में सरिया प्रोवाइड किया है। इसमें ये ध्यान रखना है कि हर तीसरे तार पर मतलब तीसरे लेयर पर आपको सरिया प्रोवाइड करना है। अगर आप 8 mm का यूज़ करें तो आप एक बार यूज़ कर लीजिए, अगर आप 6 mm का यूज़ कर रहे हैं प्लेन बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 बार यूज़ करने होंगे ठीक है। इसकी लंबाई मिनिमम वॉल के अंदर होनी चाहिए मिनिमम 2 मीटर का, 1 मीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए ठीक है। और इसके बाद आपका ये कॉलम के फेस तक आना चाहिए, ये कॉलम से थोड़ा इसमें एक गलत कर दिया उन्होंने तो इसको चेकआउट करने के लिए जो इधर वॉल होगी इस कॉलम के फेस तक आनी चाहिए ठीक है। कॉलम फोरिंग करने के लिए प्रॉपरली इसकी स्ट्रेंथ बन जाती है इस तरह से ठीक है, इस तरह से आप कॉलम करेंगे। अगर यहाँ पे आप ब्रिक वर्क का पिलर नहीं ले रहे हैं तो आप कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम में इस तरह से प्रोवाइड करेंगे आप। उसके बाद फिर ये 4 इंची थिकनेस वॉल है, ये आपका है, ये आपका फेस आ गया है ठीक है, ये आपका ओपन एरिया है ठीक है, जो जाल बोलते हैं MS जाल लगे हैं यहाँ पे इस एरिया में ठीक है। हमको जैसे कि सामने दिखा सकता हूँ मैं वहाँ पे वो है जाल है, ये जाल है तो इस तरह से जाल आएगा, ये वॉल है सामने छज जाएगा इस तरह से, ये क्या रहेगा इतना जो छज रहेगा, ये टीथ फेस है, ये और टेम्पल है ठीक है। तो इसमें से ये 4 इंची की वॉल है, 4 इंची की वॉल के अकॉर्डिंग आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे कॉलम का फेस है, कॉलम का फेस में क्या करना होगा टक मार देते हैं, उसमें टक लगाने के बाद अच्छे से प्रॉपरली सीमेंट जो सली होता है टाइटली तो अच्छे से कॉलम पर लगाना है फेस को, अच्छे से कॉलम क्योरिंग होना चाहिए ठीक है, ब्रिक क्योर हो क्योरिंग होनी चाहिए, मसाला अच्छे से बना होना चाहिए। हमेशा 4 इंची की वॉल थिकनेस में 1:4 का रेशियो लेते हैं ठीक है, 6 इंची की वॉल लेते हैं, अगर 9 इंची वॉल ले रहे हैं तो इसमें आपका 1:6 का रेशियो लेते हैं, 1:6 से 1:7 तक ठीक है। आपका प्रॉपरली लाइन अलाइनमेंट होनी चाहिए बिल्कुल साउल धागा टॉप एरिया। और एक बात देखना, अगर आप 4 इंची की वॉल लेते हैं तो पर डे 1 मीटर से 1.5 मीटर तक की हाइट ओनली ले सकते हैं ठीक है, 9 इंची की वॉल लेते हैं हम 2 मीटर तक उठा सकते हैं, 1.5 से 2 मीटर तक, इससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकते ठीक है। और उसके बाद आपके ये टीथ है छोड़े हैं क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक वॉल आएगी ठीक है, आगे ये वॉल इंक्रीज होगी जैसे कि इसके फेस तक जाएगी, यहाँ पे ये ओपन गेट रहेगा इधर से ये वॉल रहेगी, इसके फेस से एक वॉल 4 इंची की वॉल जाएगी रूम पार्टीशन के लिए, और एक वॉल इधर से ये वॉल आएगी, ये क्या रहेगा ये सनशेड रहेगा इधर से ठीक है, आपके फ्लोर तक जाल आ जाएगा मैच जाल ओके। इस तरह से आपको यहाँ पर गेट छोड़ देंगे, तो बस आज के लिए बस इतना ही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने हमारे साथ तब तक मिलते हैं नेक्स्ट।